कि नबी करीम का एरिया में अभी भी लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 3 की जो कंडीशन थी वो भी अभी लागू है। हालांकि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है, लेकिन नबी करीम में अभी हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन होने की वजह से अभी लॉकडाउन 3 की कंडीशन जारी है। यहाँ अभी किसी प्रकार की छूट अतिरिक्त नहीं है। अतः लॉकडाउन 3 में जो कंडीशन थी उनका पालन करें और ये ना सोचें कि अभी लॉकडाउन खुल गया है। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें तथा एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। यदि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे तो कोरोना से बच सकेंगे। आपसे अनुरोध है अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें तथा कोरोना के संक्रमण चक्र को तोड़ने में सहायता प्रदान करें। यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर घूमता फिरता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो सरकारी जो लिंक दिया गया है ट्रेन रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उसमें जब भी कभी उनको फोन पर टिकट का मैसेज आएगा तभी मूव करें, अननेसेसरी इधर उधर स्टेशनों पर ना जाएं, भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। अतः आप पहले अपना विधिवत रजिस्ट्रेशन करें और जब आपको सूचना मिल जाए, मैसेज आ जाए, आपके फोन पर मैसेज आएगा, तभी आप यात्रा करने के लिए अपने घरों के लिए निकलें। अननेसेसरी इधर उधर ना भटकें, कोई भी इस तरह से आपको एंटरटेन नहीं करेगा और ना ही आपको इस तरह यात्रा करने दी जाएगी। धन्यवाद। झंडेवाला रोड पे मैं हूँ इस समय। झंडेवाला रोड पूरी तरह से ब्लॉक की हुई है। इसके साथ ही सिंगाड़ा चौक है। सिंगाड़ा चौक की जो गली है यहाँ पर भी टीन का शेड लगा के रास्ता बंद किया हुआ है पूरा का पूरा का पूरा। इस वक्त मैं सदर बाजार बाराडोटी चौक पे मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरे साथी देवराज बहुजा जी, दीपक मल्होत्रा, दीपक मेहंदी रत्ता, आर के बरारा जी,
श्री देवराज बवेजा जी मौजूद हैं और हम यहाँ आज मार्केट का पूरा सर्वे करने आए हैं। हाँ जी, और इधर मेन बाजार को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय मेन सदर बाजार मार्केट देखेंगे आप, पूरी तरह से बंद है, कहीं कोई ऐसी गतिविधि नहीं, कुछ चंद लोग आपको दिखेंगे यहाँ आते हुए जाते हुए। और हम अंदर की भी गलियों का निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं घूमें कुछ हमें ऐसा लगेगा तो हम आगे प्रधान को सूचना दे देंगे। और इस वक्त मैं वापस पहाड़ी धीरज की तरफ काम तो कर रहे हैं देवराज लोग। इस समय मैं गली लल्लू मिश्र के बाहर हूँ और ये गली लल्लू मिश्र का चौक है और गली लल्लू मिश्र को भी बाहर से पूरी तरह से बंद किया हुआ है। यहाँ सिर्फ गायें दिख रही हैं, गायों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। पूरी मार्केट ये भी बंद है, इसके साथ की गली भी पूर्णतः बंद है। और आप देख सकते हैं सामने जहाँ पार्किंग होती थी वो गेट है, और ये जो सिंगाड़ा चौक को सड़क जाती है, ये रोड सिंगाड़ा चौक को जा रही है, जहाँ का मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि उसको भी पूरे तरीके से बंद किया हुआ है। धन्यवाद। मास्क आया देखो जी, मास्क के नाल ही अगे शील्ड लगी है। चाचा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हां जी, और जी भाई जी, हां जल्दी चल। बहुत बढ़िया बढ़िया, कैसे आना हुआ? देखे मैंने कहा बहुत दिन हो गए घर में बैठे, बंदे बैठे थे बहुत दिन। इस समय मैं नरेश अदलकर वाइस प्रेसिडेंट कंफेडरेशन ऑफ सदरवा ट्रेड एसोसिएशन, श्री देवराज बवेजा जी, भदारा जी और दीपक महेंद्रता के साथ सदर बाजार आया हुआ हूँ और सदर बाजार का हम पूरा सर्वे कर रहे हैं। और इस समय मार्केट पूरी तरह से बंद है और पूरी मार्केट का हम निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कोई समस्या होगी जो हमारी निगाह में आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच गुप्ता जी, नरेंद्र गुप्ता जी इस समय मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ सदर बाजार का सर्वे कर रहे हैं। और वो तो उनका कहना है कि वो दो चार दिन पहले भी यहाँ आए थे और रात को भी यहाँ चक्कर मार के गए हैं,
तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी मार्केट की पूरी देखरेख कर रहे हैं। इस समय देवराज जी, दीपक मेहंदीरत्ता जी, बरारा जी, ये सब हम आपस में खड़े होकर कुछ मशवरा कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें बाजार कैसे खुलवाना है और क्या करना है। मैं नरेश अदलखा, वाइस प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन और सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन, इस समय कुतुब रोड पर हूँ और मेरे साथ मेरे साथी देवराज जी, बरारा जी और दीपक मेहंदीरत्ता जी। हम इस समय पूरे सदर का सर्वे कर रहे हैं और सदर बाजार पूर्णतः बंद है, पूरा क्वारंटाइन किया हुआ है, हर तरफ से उसको सील किया हुआ है टीम के द्वारा और कहीं गाड़ियां खड़ी करके सील बंद किया हुआ है। हाँ हाँ, राजकुमार बोल रहा है। ये चौक कौन सा है? ईदगाह से जो सड़क कुतुब रोड की तरफ आ रही है और ये कुतुब रोड का टी पॉइंट है। इस समय हम यहाँ पर हैं, मेरे साथ दीपक मेहंदीरत्ता जी, देवराज बवेजा जी और भरारा जी सब हैं। ये देखिए, ये गेट भी यहाँ से पूरा तरह से पूरी पुलिस ने सील कर रखा है और यहाँ से भी कोई आने का रास्ता नहीं है और सदर बाजार को पूरी तरह से कंटोनमेंट जोन घोषित किया हुआ है और यहाँ पर कोई भी बाजार खुला नहीं है। ये पूरी कुतुब रोड का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा सन्नाटा है इस पर भी। और ऐसे ही हमने थोड़े थोड़े कट्स में बाराडोटी चौक की भी आपको वीडियो भेजी है और अभी आगे और गली लल्लू मुशर तक हम जा रहे हैं। मेन सदर बाजार का भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, नज़ारा पूरा इसी तरीके से है और आप लोग अभी बेफिक्र रहें, यहाँ पर अभी कोई मार्केट खुली नहीं है और ना ही ऐसा अभी भविष्य में लग रहा है कि जल्दी खुलेगी, क्योंकि सदर बाजार पूरा कंटोनमेंट जोन के अंदर है। इस समय हम कुतुब रोड की पार्किंग के बाहर पहुंचे हैं, मेरे साथ श्री देवराज बवेजा, श्री आर के भरारा जी, दीपक मेहंदीरत्ता जी मौजूद हैं। पूरी सदर बाजार का हम लोग सर्वे कर रहे हैं और ये पूरी कुतुब रोड की मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक चल रहा है लेकिन पूरा बंद है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लीगल एंट्रेंस सिर्फ कहीं प्लास्टिक की दुकान के बगल से है। सामने सिंघाड़ा चौक भी टोटल बंद है, पीछे का रास्ता भी खराब बंद है। यही एक रास्ता है अंदर जाने का जो सीधा पार्किंग में निकलता है। रास्ते बंद सारे। ये रास्ता सीधा पार्किंग को निकल रहा है, बाकी एंट्रेंस और एग्जिट बंद है, गाड़ी कोई आ नहीं सकती, सिर्फ इधर का रास्ता। बस ये सीधा पार्किंग में, यहीं पे गाड़ी लगा के पैदल अंदर आ सकते हैं। फिर सामान निकालने के लिए दुकानें खोली ली जा रही हैं, दिल्ली पुलिस भी अंदर तैनात है और मोतियाकान चौक से सदर थाने के बीच में CRPF तैनात है। बोर्ड गिर गया लेकिन विंडोज ठीक है, विंडोज नहीं टूटी कोई। सारे ताले ठीक है।
टोटली शील्ड, सिर्फ ईदगाह की तरफ से एंट्री अलाउड है। सर गाड़ी वहीं खड़ी हुई है कूड़ेदान के पास। यही तो रास्ता है, ये तो बल्कि आपको और बंद आगे से बंद करके आपको दिक्कत होगी, ये कूड़ेदान का ही रास्ता है। चल भाई इधर से, गाड़ी का रास्ता आपका यही है। ठीक है जी, शुक्रिया। लिखा है बाबूजी, आओ सेव कर दे, मैं बाबूजी का फोटो लगे।